नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले स्टार पेस गेंदबाज मोहम्मद शमी चोटिल होने के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। विश्व कप के बाद से शमी अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। हालांकि आज का दिन शमी के लिए बेहद खास है। दरअसल 33 साल के शमी को आज देश के दूसरे सबसे बड़े खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने अपने फिटनेस और वापसी को लेकर बात की है। जहां तखने की चोट से उभर रहे भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए उनकी नजरें फिटनेस के शीर्ष स्तर को हासिल करने पर टिकी हुई हैं। विश्व कप में 7 मैचों में 24 विकेट लेने वाले शमी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका लक्ष्य जहां तक संभव हो खुद को फिट रखना है, क्योंकि अगले 2 टूर्नामेंट और सीरीज बड़ी है, मैं फिट पर ध्यान देना चाहता हूँ। जहां उन्होंने आगे कहा कि उनके कौशल स्किल को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो अपने फिटनेस बनाए रखते हैं तो कौशल मैदान पर अपने आप दिखेगा। और बगैर बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA में रिहैबिलिटेशन से गुजरे हुए शमी भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की चिकित्सा टीम द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद हाल ही में दक्षिण अफ्रीका खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 25 जनवरी से शुरू हो रही है। शमी की नजरें इस सीरीज में टीम इंडिया में वापसी करने पर है। अपने करियर में अब तक 64 टेस्ट मैच और 229 विकेट लेने वाले इस तेज गेंदबाज ने अर्जुन अवार्ड मिलने पर कहा कि ये सपने के सच होने जैसा है, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरी कड़ी मेहनत का फल है, कोई भी आपकी किस्मत नहीं बदल सकता है। अगर नियति ने कुछ भी तय कर दिया है तो वो होकर ही रहेगा। व्यक्ति को अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और उसका फल उसे अवश्य मिलता है।